नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड का एंट्रांस हुआ, सारा कुछ हुआ, काउंसलिंग हुआ, एडमिशन प्रक्रिया जहाँ तक कि चालू हो चुका है। और इस स्टार्ट होने की जो एडमिशन प्रक्रिया थी वो तो शुरू से ही स्टार्ट हो गई थी, जब एंट्रांस एग्ज़ाम हुआ था तब से ही। उसके बाद 14/8/2018 तक, मतलब इसकी डेट को एक्सटेंड किया गया था एडमिशन के लिए काउंसलिंग के बाद। तो कुछ यूनिवर्सिटियां हैं जो अपने यूनिवर्सिटी में जितने भी बच्चे आए हैं तो उनका एडमिशन का जो डेट भी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि कितना तक एक्सटेंड किया गया है, यूनिवर्सिटी वाइज वो एक्सटेंड किया गया है। और NOU के थ्रू जो एक्सटेंड किया गया था 14/8/2018 यानी 14 अगस्त तक एक्सटेंड किया गया था। उसके बाद लेटेस्ट अपडेट जो है इसके बारे में, तो कई सारे सब्सक्राइबर सेकेंड लिस्ट के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि जब तक फर्स्ट लिस्ट का सारा एडमिशन कंप्लीट नहीं हो जाता और उसके बाद कॉलेज, जितने भी कॉलेज है वो फिर से अपना रिपोर्ट NOU को जब तक नहीं सौंपती है कि हमारे पास इतने वैकेंट रह गए हैं, इतने सीट वैकेंट रह गए हैं, जब तक ये नोटिस NOU को नहीं सौंपती तब तक वो दोबारा सेकेंड लिस्ट नहीं निकालेगा। तो इस बात को आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे ही सेकेंड लिस्ट निकलेगा मैं तुरंत आपको इन्फॉर्म करूंगा। तत्काल अभी का जो न्यूज है उसके बारे में मैं बता दूं, अभी तक डिस्टेंस एजुकेशन में अभी तक कोई ऐसा करके कोई नोटिस नहीं निकला है कि कॉलेज प्रेफरेंस वगैरह, कुछ ऐसी सूचना नहीं निकली है। अभी काउंसलिंग का ही कुछ वैसे ही नोटिस दिया गया है वेबसाइट पे, कुछ न्यू नोटिस नहीं आया है। तो मैं इसके रिगार्डिंग आपको नहीं बताऊंगा कि इस पे कुछ नया नोटिस जैसे ही आता है, जैसा कि देख सकते हैं इस वेबसाइट पे कोई नया नोटिस नहीं है, तो मैं इसके बारे में अभी नहीं बता सकता। तो आगे मैं इसमें बताने वाला था, इस वीडियो का मेन जो मकसद था बनाने का वो था कि रेगुलर मोड से जो बीएड करने वाले हैं, जो एडमिशन ले चुके हैं या ले रहे होंगे एडमिशन, उनके लिए है। जो देखिए यहाँ पर नोटिस निकाला है कि जिन अभ्यर्थी का जो आपने कॉलेज प्रेफरेंस दिया था, ठीक है, जो आपने कॉलेज प्रेफरेंस दिया था और उस कॉलेज में से जो आपने दिया था उसमें से अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है तब आप ये दावा कर सकते हैं। तब आपको जो दावा किया गया जो होगा उसको मतलब संज्ञान में लेते हुए आपका जो कॉलेज आएगा, आप जो कॉलेज चाहेंगे उस कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा, ऐसा करके नोटिस निकाला गया है। आप देख सकते हैं इस नोटिस को, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करें, आपको वहां से लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है, यहाँ देख सकते हैं कि प्रतिवेदन या पदाधिकारी प्रतिवेदन किया गया है कि पूर्व में उनके द्वारा दर्ज कॉलेज विकल्प को किसी अन्य स्रोत के द्वारा परिवर्तित नहीं किया गया है और परिवर्तित विकल्पों के आधार पर ही उन्हें कॉलेज आवंटन किया गया है। इस आवेदन के उदाहरण मानते हुए, मतलब उदाहरण मानिए कि CTET BEd परीक्षा सम्मिलित तथा आवश्यक मेधा अंक प्राप्त, काउंसलिंग उपरांत नामांकन हेतु चयनित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अगर उनके कॉलेज विकल्प में परिवर्तित हुआ है, यानी आपने जो कॉलेज दिया था उस कॉलेज में से आपको नहीं दिया गया है तो आप क्या करें। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, तो कॉलेज विकल्प को पूर्व ही पूर्व की डाउनलोड, मतलब पहले जो आपने कॉलेज विकल्प दिया गया था दिए थे उस सूची को आपने डाउनलोड किया होगा या उस सूची को आपने प्रिंट लिया होगा, तो उस पर उसके प्रति को, और ये देखिए, और अभी जो आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर आप जाइएगा तो यहाँ क्लिक कीजिएगा तो आप अभी देख सकते हैं कि आपका कौन कौन सा कॉलेज आपने सेलेक्ट किया गया था, किए थे, यहाँ पर लॉगिन करके आप देख सकते हैं। बिल्कुल आगे है, यहाँ पर आप इस मेल आईडी पे लॉगिन करें, ये डेट है 17/8/2018 तक, यानी कल तक आप संध्या 5 बजे तक यहाँ ईमेल कर दें इस वेबसाइट, इस मेल आईडी पर आप कल 17/8/2018 तक यानी संध्या 5 बजे तक, कल तक आप मेल कर सकते हैं। ये नोटिस 15 तारीख को रिलीज किया गया है, जैसा कि देख सकते हैं आप, ऐसे करके नोटिस दिया गया है। अगर आपका ऐसा नहीं है तो आपका कोई भी दावा मान्य नहीं किया जाएगा। ये भी सारे डिटेल्स लिखा हुआ है इसमें, मैं आपको शॉर्ट में बता दिया, आप इस नोटिस को पूरा पढ़ लीजिए उसके बाद आपको पता चल जाएगा। इसमें यह भी बताया गया है कि आपको जब आपने प्रेफरेंस सबमिट किया था उस समय आपको बताया गया था कि आप जो सबमिट कर रहे हैं वो उसमें कोई प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा, ये सूचना आपको दी गई थी। इसके रिगार्डिंग आप ये पूरा स्पष्टीकरण लिख दिया है तो आप देख सकते हैं। कई सारे व्यूअर सब्सक्राइबर पूछे थे कि हमको ये चेंज करवाना है तो हम कैसे कर सकते हैं, तो आपका ये जवाब है, आप देख सकते हैं इसको, पढ़ सकते हैं नोटिस को,
और नीचे जो जिनका जो उस रिगार्डिंग है जिससे ये संबंधित, मैंने बताया था कि जो जिस प्रेफरेंस को आपने सिलेक्ट किया था वो प्रेफरेंस में से आपको कोई कॉलेज नहीं दिया गया, किसी अन्य कॉलेज में आपको सिलेक्ट कर दिया गया है, तो आप इन सभी डॉक्यूमेंटों के साथ इसके वेबसाइट पे यानी इसको मेल कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो जो उचित से होगा उसको रिगार्डिंग आपको कॉलेज दिया जाएगा और संज्ञान में लिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूँगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी जानकारी लेनी हो, तो कृपया कर कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कि आपको अगले आने वाले दिन में बीएड से रिलेटेड और बीएड में जो कोर्स होते हैं उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर मैं इस चैनल पे आऊँगा और आप लोगों को बताऊँगा। आप चाहें तो इसके संबंधित आप नोट भी बना सकते हैं। तो मैं इतना ही बताने वाला था। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।